काला शीशा का भी काटते हैं, ब्लैक शीशा रहेगा तो उसका भी काटेंगे, अच्छा नंबर प्लेट नहीं रहेगा तो उसका भी काटेंगे। जो अपराध है बोलने का ब्लैक शीशा रहेगा, नहीं दिखता है तब तो। मतलब अगर हल्का दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। Hey guys, welcome back to the channel। और अभी चल रहा है भाई आप लोगों का और हम मेरा खुद का डाउट क्लियर करने के लिए अभी जा रहे हैं किसी पुलिस के पास और उनसे जाके ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछेंगे भाई कि कार में कितना फिल्म ज़रूरी है, मतलब कितना चल सकता है और कितना नहीं चल सकता है। कहते हैं कि भाई 70% विजिबल होना चाहिए, 30% चलेगा आपका। तो हम अभी भाई उनसे पूछेंगे डायरेक्ट हम उनसे कि भैया कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा। 70 से कम रहा मान लीजिए, 60 पे भी अगर मैनेज हो रहा है तो बहुत अच्छा है भाई। पर देख लेते हैं चचा है कहाँ, कोई दिख नहीं रहा है भाई, सही में नहीं दिखता है यार। इनकम टैक्स के पास मिल सकता है, इनकम टैक्स से घुमा के चलते हैं और अगर वहाँ का तो सही है तो बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ मिला हमको। आई थिंक वी शुड गो एंड टॉक टू हिम। यार देख सकते हो मेरा हक नहीं है, देखिए ऐसा नहीं होता। जो अपराध है बोलने का ठीक है बोलेंगे, जो मान लीजिए कि हमारा अपराध नहीं है बोलने का, हम बोल दें हमसे कुछ गलती की बात है तो हम झूठ मूठ के नफरत लेने से अच्छा है कि भैया ब्लैक शीशा रहेगा, नहीं दिखता है तब तो। मतलब अगर हल्का दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक ट्रैफिक वाले से पूछे तो आप अगर देख सुन सकते थे, अगर बहुत नॉइज था हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई, नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम ट्राई करेंगे कहीं और जाके पूछने का, पर तो पुलिस वाले बताने के लिए वो मतलब थोड़ा रेडी नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे कि आप DSP के पास चले जाएं, वो बता देंगे आपको, या फिर आप गांधी मैदान ट्रैफिक पुलिस के पास चले जाएं वो बता देंगे। तो उनका भी बात सही था, वो एक तरीके से अपने आप के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि अगर कुछ होता है तो भाई गलत बोल दिए या सही बोल दिए, तो उसमें कितना सही सच्चाई है बात में और कितना गलत बात है उस चीज़ को लेके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पुलिस है, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे रोकने का। अंकल मेरा नाम अमन हुआ, मतलब हाँ। तो मेरा YouTube पे चैनल है समझे हाँ। तो जैसे कि अभी हम ट्रैफिक वहाँ पे हाई कोर्ट के पास जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे बात की है, वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। जैसे जो गाड़ी में फिल्म लगाते हैं लोग, जैसे ये फिल्म लगा हुआ है ना ये वाला हाँ। तो कितना प्रतिशत रहने पे वो चलान इसका नहीं होता है, जैसे कि आप अगर इसके बारे में बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए जैसे यहाँ तो हम लोग रोकते हैं, आपका नाम क्या हुआ अंकल पहले आप नाम? हमारा नाम है कार्तिक ठाकुर। कार्तिक ठाकुर जी, यहाँ हम लोग तो रोकते हैं, इसका तो कोई समय निर्धारित नहीं है। नहीं है कोई, नहीं है वो तो दिख गया, तो समय नहीं है। हम लोग यहाँ काटते हैं, जैसे आप सीट बेल्ट आप नहीं लगाते रहिएगा जी तब गाड़ी को रोका जाएगा। अच्छा, और सीट बेल्ट का काटेंगे या रॉन्ग साइड का काटेंगे, ये सब लोग फाइन काटते हैं अधिकांश सीट बेल्ट। बट मतलब बहुत सारे लोग जेट ब्लैक करा के चलाते हैं, तुम काला शीशा का भी काटते हैं हाँ, कि ब्लैक शीशा रहेगा तो उसका भी काटेंगे। अच्छा, नंबर प्लेट नहीं रहेगा तो उसका भी काटेंगे। मतलब कि बाहर से अगर अंदर नहीं दिखता तो उस पर चलान है हाँ। आदमी का फ्रंट पैसेंजर दिखना चाहिए जैसे कि आप बैठे हुए थे, कम से कम दिखाई देना चाहिए ना बाहर से कितने आदमी हैं, कैसा लोग बैठा हुआ है, ये नहीं दिखाई देगा तो उसका फाइन कटता है। बहुत सारे लोग मतलब पीछे का काला कराते हैं आगे का लाइट रखते हैं। नहीं हम लोग देख लेते हैं, अब आप जा रहे हैं आपको गाड़ी को रोक के हमको दिखाई नहीं देता है तो फाइन काट रहे हैं। फाइन काट, मतलब कि ऐसा कराइए कि ट्रांसपेरेंट हो कि दिखना चाहिए। चलिए धन्यवाद अंकल, यही पूछना था, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा आप लोग समझ गए होंगे कि पुलिस वाले भी किस लिए रोकते हैं। पहले तो भाई डाउट था कि लोग कहते हैं कि अगर आप चलान 70% विजिबल होना चाहिए, 30% डार्क होना चाहिए, तो वो चीज़ एक तरीका से सच है क्योंकि अभी हम आप लोग के सामने दो ट्रैफिक वाले से पूछे, एक हाईकोर्ट के पास पूछे और दूसरा अभी पूछे, तो दोनों में से उन्होंने यही कहा कि भाई अगर आपका विजिबल नहीं होता है, अगर आप बाहर से अगर आपका गाड़ी नहीं दिख रहा है हमको कि अंदर कौन बैठा है नहीं बैठा है, तो ऑब्वियस है कि गाड़ी हम रोकेंगे। अब अगर आप पूरा डार्क करा के चलते हो, मान लीजिए कि बाहर से आपको एकदम नहीं दिख रहा कि अंदर लोग कितने हैं,
तो पुलिस वाले जैसे कि आपने सुना कि वो बोले कि रोकेंगे अगर आप मतलब 50% तक, मेरे हिसाब से 50% तक आप अगर डार्क करा के चलते हो तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी रहता है। अगर यही आप पूरा जेट ब्लैक करा के चलोगे तो उसमें आपको चलान हो सकता है, चलान तो होना हो नहीं सकता, आपको चलान होगा ही होगा। जैसे कि अभी हम अपना जो फिल्म लगवाए अपने शीशे पे कार के, उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं, आपको चलिए आगे दिखाते हैं। और वो हम उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीज़न, बट अभी आपको दिखाते हैं। वो प्रॉपर वीडियो उसका हम नहीं बना पाए थे, उसका कुछ रीज़न था। रीज़न ये था कि हम मतलब उस दिन अचानक प्लान बन गया और ऊपर से मेरे पास कैमरा नहीं था, तो फ़ोन भी था तो भाई फ़ोन का भी बैटरी उतना नहीं था, तो हम क्लिप्स लिए हैं उसके, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। ऐसा नहीं कि उसका कुछ क्लिप्स नहीं है, उसका क्लिप है, तो आप वो क्लिप देख सकते हैं। जैसे कि ये भैया जा रहे हैं, अभी हाथ में फिल्म का कटिंग कर लिए हैं ये, और अभी चल रहे हैं लेके कार के पास लगाने के लिए। और अभी इस पर स्प्रे करके साइज़ लिया जाएगा, अभी देख सकते हो आप इसमें चिपकाया जाएगा। और अभी कटिंग के लिए पहले फ्रेम का साइज़ ले रहे हैं ये, और उसके बाद इसको अंदर से चिपकाया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कैसे रोल को ओपन किया जा रहा है और चिपकाया जा रहा है। हमको लगा था बाहर से चिपकेगा, बट फिर ये अंदर से चिपकेगा। आप देख सकते हो कटिंग हो रहा है यहाँ पे, और साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से बहुत सही कटिंग हो रहा है। चिपका दिया गया अंदर से, और इसे पानी को सारा निकाला जा रहा है, वाइप किया जा रहा है, छोटा वाइपर से एक तरीके से आप कह सकते हो, छोटा वाइपर। और कटिंग हो रहा है अंदर से ब्लेड से, तो ये भाई लग बहुत सही तरीके से किया गया। और एक 4 से 5 घंटे तक शीशे को नहीं खोला जाता है, उन्होंने कहा कि भाई 4 से 5 घंटे मत खोलिएगा। तो कार को हम यहीं पे रोक रहे हैं और अभी आपको दिखाते हैं भाइयों, धूप है तो धूप में और प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको दिख सकता है। तो ये देखिए भाई, आप देख सकते हो ये 70% विजिबल और 30% डार्क है। अगर आप भाई पुलिस वाले कैसे पकड़ते हैं आपको देखिए, अगर आप सामने से आ रहे हो ना तो आपका पीछे वाला शीशा देखेंगे, वो अगर आपको लग गया डार्क है तो वो आपको रोक देंगे, अगर वो ट्रांसपेरेंट लगा तो आपको जाने देंगे। जैसे कि आप साइड से देखोगे ना तो इसमें लगेगा, देखने में दिखता है, बट थोड़ा सा आपको ना मतलब आँख पे जोर देना होगा कि भाई अंदर क्या है नहीं है, विजिबिलिटी थोड़ा रिफ्लेक्शन आ जाता है इस चलते थोड़ा सा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर लाइट आ रहा है गाड़ी पे, ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, दिखता तो है ही, बट आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन के चलते, डार्कनेस के चलते थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे पीछे से आप देखोगे तो भाई पूरा मतलब थोड़ा सा डेंस लुक कर दिया, रात में ये थोड़ा डार्क हो जाता है, दिन में भी रिफ्लेक्शन जब होता है तो अच्छा खासा रिफ्लेक्शन पड़ जाता है, आप देख सकते हैं भाई। तो यही है भाई, और ये अंदर से लगता है, देख सकते हैं आप दोनों में डिफरेंस। हम आपको बीच बीच में वो क्लिप डाल देंगे, आप उसमें डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ से भी आप डिफरेंस देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो भाई आप डिफरेंस। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत मेहनत लगता है, बता नहीं सकते आपको कितना मेहनत लगता है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।